नमस्कार, आज हम आपको बताएंगे एमसीबी के एनर्जी क्लास और लेट थ्रू एनर्जी के बारे में। आपने एमसीबी देखा होगा, उसके ऊपर यहाँ छोटा सा सिंबल बना होता है जो कि हमने यहाँ दिखाया है बड़ा करके। हम इसका मतलब बताएंगे आज आपको। यहाँ पर दो चीजें लिखी हैं, एक ऊपर लिखा है 10,000, कहीं कहीं कुछ अलग वैल्यू भी होती है, और नीचे लिखा है 3। ये जो 10,000 है इसको बोलते हैं ICN, रेटेड शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग कैपेसिटी, और जो 3 लिखा है इसका मतलब है एनर्जी लिमिटिंग क्लास या I²T। इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे अभी। यहाँ पर एक हमने सिंपल सर्किट दिखाया है, ये एसी सप्लाई है, ये ब्रेकर है एमसीबी, और ये लोड लगा है और ब्रेकर क्लोज है, तो इसमें करंट बहेगी। घर में ऐसे ही होता है ना, ये जो सप्लाई है जनरेटिंग स्टेशन से आती है, मगर हमने यहाँ दिखा दिया है पास में। अब मान लीजिए यहाँ पे लोड की जगह शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। देखिए शॉर्ट सर्किट हो गया, तब क्या होगा, इसमें करंट बहेगी, शॉर्ट सर्किट करंट बहेगी, मगर यहां से और यहां तक बीच में बहुत सारे लंबे लंबे वायर होंगे, बीच में ट्रांसफार्मर होंगे, तो उनका रजिस्टर और इंडक्टेंस भी होगा, वो हम ये दिखा देते हैं। ये आर और एल क्या है, वायर का और ट्रांसफार्मर का रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस। तो जब शॉर्ट सर्किट होगा तो इसकी वजह से करंट लिमिट होगी इसमें। मैं इसको हटा देता हूं, मगर आप मान लीजिए कि ये लगा हुआ है सर्किट में, अब ये जो करंट है हम मान के चल रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट हुआ लेकिन ब्रेकर अभी ट्रिप नहीं हुआ, या ब्रेकर नहीं होता तब ऐसी करंट बहती है जो हमने डॉटेड से दिखाई है ना, इतनी करंट बहेगी। इसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव फॉल्ट करंट। ये करंट वो है जब या तो ब्रेकर है नहीं या अभी ट्रिप नहीं हुआ। ब्रेकर को ट्रिप होने में थोड़ा समय लगता है, और यहाँ पे कहीं RMS करंट होगी। अब जो ये वाली करंट है वो ये करंट नहीं है, इसमें और इसमें अंतर है 10,000 एम्पियर में। इसका मतलब ये है कि ये MCB 10,000 एम्पियर तक की शॉर्ट सर्किट को ब्रेक कर सकता है। अगर ये करंट इससे ज़्यादा हुई तो ये MCB नहीं कर पाएगा या फिर जल जाएगा, तो ये करंट हमेशा इससे कम होनी चाहिए। समझ गए ना अंतर, यहाँ पे 1,000 एम्पियर भी हो सकती है, 2,000 भी हो सकती है, 5,000 भी हो सकती है, नो प्रॉब्लम, 10,000 तक नो प्रॉब्लम। नहीं कि अगर यहाँ करंट 10,000 से ज़्यादा हो गई तब ये ब्रेकर में प्रॉब्लम आएगी। तो ये MCB की लिमिट है शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी, ब्रेकिंग कैपेसिटी की, उससे ज़्यादा ये MCB इसको ट्रिप नहीं कर सकता या सर्किट को ओपन नहीं कर सकता। अब यहाँ हमने प्लॉट दिखाया है आई और टी का, ये प्लॉट है I² और टी का, अगर इसको हम स्क्वायर कर दें तो ऐसा आता है। ये निगेटिव करंट हमने यहाँ नहीं दिखाई है, खाली पॉजिटिव दिखाई है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे इसमें शॉर्ट सर्किट करंट बहना शुरू होगा ये ब्रेकर ट्रिप होने लगेगा, लेकिन ब्रेकर को थोड़ा सा समय लगता है। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये नीचे वाली डार्क लाइन, सही में करंट ऐसी बहेगी, अगर ब्रेकर नहीं होता तो करंट ऐसी बहती, लेकिन जैसी करंट बहने लगती है ये MCB ओपन होने लगता है
और करंट को बढ़ने से रोकता है और थोड़ी देर के बाद करंट को जीरो कर देता है। यहाँ से यहाँ तक ये एमसीबी ऑन रहेगा, ये तुरंत ऑफ नहीं हो जाता, इसको थोड़ा समय लगता है। तो ये करंट है बिना एमसीबी के, और ये करंट क्या होती है एमसीबी होने पर जो करंट लिमिट हो रही है। और ये क्या है आई स्क्वायर, ये आई स्क्वायर था जब एमसीबी नहीं लगा होता या ट्रिप नहीं होता। और ये वाला क्या है नीचे वाला, एमसीबी ट्रिप की वजह से आई स्क्वायर की वैल्यू कम हो गई। तो ब्रेकर ट्रिप हुआ, उसने क्या किया इस करंट को इतना कर दिया, कम कर दिया, और आई स्क्वायर को जो पहले इतनी थी वो इतनी कर दी। ये जो एरिया है आई स्क्वायर इंटू टी का, इसको बोलते हैं आई स्क्वायर टी। ये जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, इस एनर्जी को बोलते हैं लेट थ्रू एनर्जी। मतलब ये कि अगर एमसीबी नहीं होता या ट्रिप नहीं होता तो आई स्क्वायर टी का इतना एरिया होता, लेकिन ब्रेकर होने की वजह से उसने एनर्जी कम तो कर दी लेकिन पूरी कम नहीं की, अभी भी इतनी जा रही है या अभी भी इतनी करंट बह रही है। तो ब्रेकर ऑपरेट होने पर भी थोड़ी देर के लिए थोड़ी एनर्जी चली जाती है यहाँ पर, उसको बोलते हैं लेट थ्रू एनर्जी या आई स्क्वायर टी। ये एक्चुअली एनर्जी नहीं है, मैं अभी आपको बताऊंगा आगे। तो एमसीबी ने सिस्टम को प्रोटेक्ट किया, जो करंट पहले बहुत ज्यादा थी अब वो बहुत कम हो गई, और जो आई स्क्वायर टी पहले बहुत ज्यादा था ही कम हो गया। तो ये जो एनर्जी है कम होनी चाहिए, जितना कम हो उतना अच्छा है। तो ये जो तीन है वो बताता है कि कितनी लेट थ्रू एनर्जी होगी। अब वाई आई स्क्वायर, हम बार बार आई स्क्वायर की बात कर रहे हैं। देखिए एसी सप्लाई है, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट है, ये लंबे लंबे वायर हैं, और ये आर और एल इस वायर का और ट्रांसफार्मर का रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस है। क्योंकि यहाँ पे हैवी करंट बह रही है तो इसमें लॉसेज होंगे, वो लॉस कितना होगा आई स्क्वायर आर। इस लॉस में आई स्क्वायर आर में अगर आप टाइम से मल्टीप्लाई कर दे तो एनर्जी आ जाती है। तो एनर्जी हुई आई स्क्वायर आर इंटू टी, टी को अगर हम इधर ले आए तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर टी इंटू आर। अब अगर आर फिक्स है तो एनर्जी प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर टी, ये इसीलिए हम बार बार आई स्क्वायर कह रहे हैं और आर स्क्वायर टी की बात कर रहे हैं। तो आपको समझ में आया ये आई स्क्वायर टी कहां से आ गया। अगर आर फिक्स है तो एनर्जी जो है वो प्रोपोर्शनल होती है आई स्क्वायर टी के। अब जब यहां पे हैवी करंट बहेगी तो एनर्जी प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर एम एस के होगी। प्रोपोर्शनल की बात कर रहा हूं मैं, टी भी हमने हटा, जितना ज्यादा टी होगा उतना ज्यादा थर्मल एनर्जी होगी, मगर थर्मल एनर्जी आई स्क्वायर आर एम एस के प्रोपोर्शनल होती है। उसी प्रकार जब दो कंडक्टर में करंट बहती है तो आप जानते हैं उनके बीच में एक फोर्स लगता है, तो वो मैग्नेटिक फोर्स प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर पी के। तो जब इसमें हैवी करंट बहेगी तो थर्मल एनर्जी भी बहुत ज्यादा होगी और मैग्नेटिक फोर्स भी बहुत ज्यादा होंगे, और वो दोनों आई स्क्वायर पर डिपेंड करेंगे, इसलिए आई स्क्वायर लिया गया है। अब हम क्लास थ्री या एनर्जी लिमिट क्लास के बारे में फिर डिस्कस करते हैं। यहाँ हमने एक एग्जाम्पल दिया है परमिसिबल लेट थ्रू एनर्जी आई स्क्वायर टी। मान लीजिए कोई एमसीबी है जो 10,000 एम्पियर शॉर्ट सर्किट वाला है, उस पर क्लास थ्री लिखा है,
तो अगर वो सी टाइप का है और 32 एम्पियर का है तो वो आई स्क्वायर टी बराबर 1,10,000 एम्पियर स्क्वायर सेकेंड अलाउ करेगा। मतलब एमसीबी ट्रिप होने से पहले इतना एम्पियर स्क्वायर सेकेंड अलाउ कर देगा सिस्टम में, इतना वो ट्रिप नहीं कर पाएगा। और अगर वो 10 एम्पियर का है और सी टाइप का है तो आई स्क्वायर टी है 80,000 एम्पियर स्क्वायर सेकेंड। ये वाला क्लास 3 के लिए था। अगर उस पे वही C32 पे अगर क्लास 2 लिखा है तो आई स्क्वायर टी होता है 3,70,000 एम्पियर स्क्वायर सेकेंड। तो क्लास 3 का एमसीबी ट्रिप होने से पहले 1,10,000 एम्पियर स्क्वायर सेकेंड अलाउ कर देगा, रोक नहीं पाएगा। अगर क्लास 2 का है तो 3,70,000 एम्पियर स्क्वायर सेकेंड अलाउ कर देगा। तो ये खराब है ना, ये जितना कम हो उतना अच्छा है, जीरो है तो बहुत ही अच्छा है, मगर जीरो हो नहीं सकता क्योंकि एमसीबी थोड़ा टाइम लेता है ट्रिप होने में। तो ये फिगर आई स्क्वायर टी जितना कम हो उतना अच्छा है, तो ये वाला ज़्यादा अच्छा है। इससे क्लास 3 का है तो इतना एम्पियर स्क्वायर सेकेंड अलाउ करेगा, अगर क्लास 2 का है तो 3,70,000 एम्पियर स्क्वायर सेकेंड ये सिस्टम को अलाउ करेगा ट्रिप होने से पहले। ये जो वैल्यू हैं स्टैंडर्ड के हिसाब से होती हैं। अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो जो एमसीबी आप खरीदें उसका कैटलॉग देखिए, कंपनी के कैटलॉग में ये वैल्यू दी होंगी या देनी चाहिए उनको। इतनी ज़्यादा आई स्क्वायर टी तब फ्लो होता है जब शॉर्ट सर्किट हो और बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो, ये नॉर्मल कंडीशन का नहीं है। अब एडवांटेज ऑफ करंट लिमिटिंग लोअर आई स्क्वायर टी। अभी अभी हमने बताया ना कि आई स्क्वायर टी कम हो तो ज़्यादा अच्छा है। पहला एडवांटेज क्या है कि लोअर टेम्परेचर, अगर आई स्क्वायर कम होगा तो लॉसेस कम होंगे, तो टेम्परेचर कम हो जाएगा वायर का या ट्रांसफार्मर का या जो भी हो, उस थोड़ी देर में बहुत ज़्यादा करंट बहती है। दूसरा है लोअर मैकेनिकल फोर्सेस, ये भी हमने बताया है कि जो बहुत ज़्यादा करंट बहती है दो वायरों में या कम बहती है तो भी उनके बीच में मैकेनिकल फोर्स लगता है तो वो कम हो जाएगा। कम होने से क्या होगा, जो केबल्स हैं या स्विच गियर हैं या और इलेक्ट्रिकल आइटम हैं उनकी लाइफ ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि फोर्स लगने से वो हिलने लगेंगे, वाइब्रेट करेंगे, थोड़ी देर के लिए करेंगे वो जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उनमें प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा एडवांटेज है लोअर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइस, जब बहुत हैवी करंट बहती है तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइस क्रिएट होती है, उस नॉइस की वजह से इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम आती है, जैसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल एंड सर्किट्स हैं, सिग्नल ट्रांसमिशन है, कम्युनिकेशन सिस्टम, इन सब में नॉइस आएगी। लेकिन अगर आई स्क्वायर टी कम है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइस कम होगी, तो जिससे इन सबको फायदा होगा। अब आज यहीं समाप्त करते हैं।